देखिए हमने कुछ नहीं किया, ये जरूर किसी की चाल है। सर जी हमने कुछ नहीं किया, ये चीजें हमारी नहीं है। किसका क्या है सब पता चल जाएगा, चलो। अरे ड्रग्स मिला है दुकान में। चलो उस चुड़ैल ने कुछ किया होगा, हमारा मुन्ना बाबू सुधर रहा था। क्या बात है निजन? बेटा साफ साफ बताओ तुम मुझसे क्यों छुपा रही हो? बाबूजी कोई बात नहीं है, अब तो हम आपके लिए मसाले वाली चाय बना। नहीं चाय की कोई जरूरत नहीं है बेटा, तुम पहले ये बताओ कि तुम्हें हुआ क्या। निजन निजन मामा, निजन मामा क्या, निजन क्या हुआ बेटा? निजन निजन पानी लेकर आ बेटा, जल्दी जा पानी लेकर आ। निजन 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 मामा निजन बेटा प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ है तुम्हें, बता दे बेटा हम कुछ कर पाएंगे। क्या हुआ है तुझे? मुझे कुछ नहीं हुआ है, हमें बस ऐसे ही। नहीं ऐसे ही चक्कर नहीं आ जाते, ये बार बार झूठ नहीं चलेगा। पता क्या हुआ है? बता रही तुझे मेरी कसम है, क्या हुआ है तुझे? बाबूजी कुछ नहीं हुआ है हमें। क्या हुआ इसे तू बता मुझे, तेरी माँ है तू इसके साथ गई थी, तुझे तो पता होगा। मामा मामा मैं अब चुप नहीं रह सकती, मैं आपकी कसम अब और नहीं ले सकती। दादाजी अम्मा को कैंसर है, अम्मा को कैंसर कैंसर है। क्या कहा? कैंसर? मेघा और वो अंदर पूरे शरीर में फैल चुका है। और ये बात मम्मी ने खुद मुझे नहीं बताई, वो तो मैंने डॉक्टर से सुना। दादाजी मम्मा को कुछ नहीं होगा ना, मुझे ही होगा ना मम्मा को। इतनी बड़ी बात हो गई और तूने मुझे बताया तक नहीं, इतना बेगाना कर दिया मेरे को। नहीं बाबूजी, बाबूजी हम सबको एक साथ कुछ देखना चाहते कि हमारी ये इच्छा पूरी करेंगे। क्या हम अविनाश को एक बार देख पाएंगे? रिमझिम क्या बात है अविनाश, क्या हुआ? ऐसा लगा कि मुझे रिमझिम की आवाज सुनाई दे रही है। उससे तुम्हें क्या आवाज ही होगी अविनाश, वो तो ये घर छोड़ के चली गई, उसे इस घर की परवाह कहाँ है। जरूर तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। नहीं माँ, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि रिमझिम तकलीफ में है। अविनाश हम जाकर रिमझिम को देखेंगे और यकीन करो आज शाम तक हम उन्हें वापस ले आएंगे। बाबूजी गजब हो गया, बाबूजी पारू और मुन्ना बाबू को पुलिस ले गई। क्या पुलिस पकड़ कर ले गई? क्यों? कह रहे थे कि कछु ड्रग्स से नशीली दवा ब्यूटिक में मिली है। जरूर जरूर राकेश का काम है ये, राकेश ने ही फंसाया होगा उन्हें। चलो रिमझिम जल्दी हम चलते हैं आपके साथ। नहीं नहीं तुम कहीं नहीं जाओगी इस हालत में,
पाऊजी अगर ये नहीं गई ना तो पुलिस हमारे मुन्ना बाबू को बहुत पीटेगी, बहुत पीटेगी। चलो रिमझिम। इसकी तबीयत बहुत खराब है उर्मिला, इस हालत में ये नहीं जा सकती। काहे नहीं जा सकती, क्या हुआ, क्या हुआ तबीयत को, क्या हुआ, क्या इसको, इसको कैंसर है बेटा, इसको कैंसर है बेटा। नहीं रंजन, अब मैं जाऊंगा वहां, समझाऊंगा, अब उन्हें मैं समझा कर ही रहूंगा। चिंता मत कर, मैं अविनाश को भी लेकर आता हूं, इसका इसका ख्याल रखना बेटा। मुन्ना और पारो आ जाएंगे उर्मिला जी। राकेश, अरे आप आ गए, मुझे पता था कि आप बहुत दिन नाराज नहीं रह पाएंगे। महाराज जी जरा आरती की थाली लाओ, देखो तुम्हारे मालिक आ गए। भाई खड़े रहो महाराज। ज्यादा ढोंग करने की जरूरत नहीं है बीबी, मैं यहां राकेश से बात करने आया हूं, सिर्फ राकेश से। कहां है वो राकेश? तुम इतना गिर जाओगे राकेश, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मेरा खून इतना गंदा हो सकता, क्या यही इंसानियत का सबक सिखाया था मैंने तुम लोगों को? शायद शायद मेरी सीख में कोई कमी रह गई होगी बेटा। क्या सोचा तुमने, हाँ क्या सोचा तुमने कि मैं खुश हो जाऊंगा, तुम्हारी वाह वाह करूंगा, तुम्हारी पीठ थपथपाऊंगा? और अविनाश, तुमने भी अपनी पत्नी के बारे में कुछ नहीं सोचा बेटा कि क्या गुजर रही होगी उसको? अरे हम ठीक हैं बाबा, आपको तो सब संभालना है, वरना बाबू अब जाकर तो अपने पैरों पर खड़े हुए। पारो ठीक हो गई है। अगर तुम वो एक्सीडेंट करवा सकते हो राकेश, तो तुम मुन्ना और पारो की बुटीक में ड्रग्स भी रखवा सकते हो। ऐसे इल्जाम मत लगाइए हमारे परिवार पर उन लोगों के खातिर। आप अपने बेटे पर ये इल्जाम लगा रहे हैं, और अगर राकेश ने कुछ किया भी है तो क्या गलत किया है? वो अपने परिवार को बचाना चाहता था। वो भी मेरा ही परिवार है इरावती। उसी बात का तो मुझे दुख है कि वो भी आपका परिवार है, और आपने क्या किया, आपने मुझे धोखा दिया, आपने मुझे धोखा दिया, अपने पहले पत्नी के बच्चे हमारे घर में रख के रख दिए, आपने धोखा दिया है मुझे। लक्ष्मण जी, श्री अयोध्या जी से जाकर इतने सालों में तुमने मुझे यही पहचाना है बीवी? मेरे ही कहने पर रिमझिम उर्मिला मुन्ना और पालो को इस घर में लाई थी। तुम्हारी नजरें क्यों झुकी है राकेश? बेटा जरा मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करो,
तुम क्या समझते हो? बहुत बहादुरी का काम किया है तुमने, परिवारों में जहर डालकर, परिवारों को तोड़कर। बेटा ये दो परिवार मेरे दो बाजू थे और तुमने मेरा एक बाजू ही काट डाला। अरे क्या बिगाड़ा था उन्होंने तुम्हारा जो तुमने उन्हें ड्रग के केस में फंसवा दिया? जायदाद के लिए ना, उस जायदाद के लिए जो तुम्हारी है ही नहीं। राकेश तुमने हमेशा हमारे बिजनेस को डुबाया है और हमेशा रिमझिम और मैंने इस बिजनेस को वापस उसके पैरों पर खड़ा किया है। तुमसे कहीं अच्छी मेरी वो बहू है जिसने मेरी बेटी और बेटा दोनों होने का फर्ज अदा किया और वो भी बिना किसी स्वार्थ के। कुछ खत्म नहीं हुआ, सब आएंगे हमसे मिलने, हमारे बिना हम आकोब नहीं, सब उर्मिला जी पूरा परिवार है। बाबूजी गए हैं ना? हाँ हाँ, सब बुलाएंगे। हाय हाय, बुलाएंगे। तुम परेशान नहीं होना, तुम परेशान नहीं हो, तुम्हें पानी पिलाए, तुम्हें पानी पी लो, थोड़ी सी। सब आएंगे उर्मिला जी, तुम पढ़ो, सब पढ़ो। तो कह दो कि ये सब झूठ, कह दो कि तुमने कुछ नहीं किया। तुम्हें तुम्हारी मां की कसम। हां मैंने किया, सब मैंने किया बाबूजी। हां मैंने किया, सब मैंने किया बाबूजी, क्योंकि मैं मां की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। अपने घर को टूटकर बिखरते हुए नहीं देख सकता था मैं। रिमझिम अगर सिर्फ सच्चाई का साथ देती है तो बाबूजी कहां गई थी उसकी सच्चाई, जब उर्मिला मुन्ना और पारो इस घर को बर्बाद करने पर तुले हुए थे? कहां गई थी बाबूजी उसकी सच्चाई? अरे बाबूजी, मुन्ना ने तो इस जायदाद को हासिल करने के लिए आपका भी अपहरण करवाया, लेकिन रिमझिम ने फिर भी कुछ नहीं किया और आप सिर्फ रिमझिम के गुणगान कर रहे हैं। बाबूजी बाबूजी, रिमझिम सिर्फ अपने आप को महान साबित करना चाहती है, बस। साबित नहीं राकेश, वो साबित नहीं करना चाहती है। रिमझिम महान है, लेकिन तुम अपने स्वार्थ के लिए अपनों का ही खून बहाना चाहते हो। याद करो बेटा, अर्जुन ने भी महाभारत में अपनों का खून बहाया था, बहुत खून बहाया था, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए। लेकिन तुम अधर्म कर रहे हो, पाप कर रहे हो। तुम 84 लाख योनियां घूमने के बाद बहुत नसीब से मनुष्य को जन्म मिलता है इस धरती, ताकि वो नेकी करे, दूसरों की भलाई करे, अच्छाई करे। लेकिन तुमने तो अपनों को ही दलदल में फंसाया है, अपनों की जान ली है तुमने। यही फर्क है बेटा तुम्हें और रिमझिम में। तुम परिवार को तोड़ने के लिए मौज मस्ती बना रहे हो, स्कीमें बना रहे हो, हंस खेल रहे हो, और वो परिवारों को जोड़ने की कोशिश में अपनी आखिरी सांसें गिन रही है।
बची? मर रही है वो, मर जाएगी बहुत जल्दी, कैंसर है उसे। स्टेज ऑफ कैंसर। डॉक्टर्स जवाब दे चुके हैं, डॉक्टर से झगड़ कर वो हॉस्पिटल छोड़ के आ गई है, घर पे है। घर पे है, उसकी आखिरी इच्छा है तुम सबको छोड़ने की, तुम सबको देखने की। बिलख रही है बेचारी, उसके उसके पास जाओ, हो सके तो उसे सहानुभूति दो। उसका हाथ थाम लो, बहुत कम वक्त है उसके पास। बहुत कम वक्त है। बाबूजी, प्लीज बाबूजी, बाबूजी मुझे रिमझिम से मिलना है बाबूजी, मुझे उसके पास ले चलिए बाबूजी। रामचंद्र जी और रिमझिम, रिमझिम बेटा, रिमझिम बेटा देख, देख कौन आए। अविनाश, मुझे माफ कर दो रिमझिम, मैंने तुम्हें गलत समझा। ऐसा मत कहिए, गुनहगार हूं मैं तुम्हारा, मुझे माफ कर दो। अविनाश प्लीज ऐसा मत कहिए। अविनाश और रिमझिम, मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगता हूं, मुझे तुम्हें पहचानने में बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर देना प्लीज। और तुम्हें कुछ नहीं होगा रिमझिम, कुछ नहीं होगा तुम्हें, हम तुम्हें अभी डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं, तुम चलो। हम नहीं, हम राकेश भैया नहीं, हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, हमें घर ले चलिए। हमारे घर जाना चाहते हैं विनाश, सुख शांति सदा जाना चाहते हैं। हाँ रिमझिम, मैं तुम्हें जरूर घर ले जाऊंगा।